उधर नोएडा के सेक्टर 34 के हिमगिरी अपार्टमेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट नंबर 69 में अचानक से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चला है। फ्लैट में रहने वाले 2 लोग झुलस गए हैं। आग लगी हुई है। मैं अपने ड्राइंग रूम में था तो मुझे स्मेल सी आ रही थी हल्की फुल्की, जैसे कोई धुआं सा जल रहा हो। तो मैंने पीछे वाली बालकनी में जाके देखा तो नीचे वाले घर से धुआं सा उठ रहा था। तो मुझे लगा क्या पता पूजा वूजा हुई होगी इसकी, मतलब उसकी उसका धुआं होगा। फिर जैसे ही सीढ़ी के नीचे आके देखा तो नीचे वाले घर में शोर सा मच रहा था कि आग लगी आग लगी। तो मेरे फादर भी साथ में नीचे उतरे तो 69 फ्लैट नंबर में जिसमें आग लगी है। तो हमने देखा कि उसके अंदर आपका पूरा मतलब रूम में धुआं धुआं सा फैला हुआ है और पीछे वाली बालकनी में आग सी लग रही है। उसके बाद हम सब लोग नीचे भागे। नीचे भाग के हमने थोड़ा सा 5-10 मिनट के अंदर सिलेंडर वाला ब्लास्ट हुआ बहुत ज़्यादा तेज, उसमें पीछे की ग्रिल आपकी पूरा मतलब डैमेज वैमेज हो गया और उसमें भाग भाग में किसी को चोटें भी आई किसी को।